सोनभद्र शक्तिनगर थाना अंतर्गत कोटा बस्ती निवासी प्रदीप सोनी उम्र 31 वर्ष स्थानीय थाना में गुमशुदा का सूचना दे दिया गया था। इसके बाद बुधवार की सुबह लगभग 12 बजे शक्तिनगर रिहंद बांध कोटा वोट पॉइंट एनटीपीसी के चैनल के पास युवक का संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। मौके पर पहुंची शक्तिनगर पुलिस क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं। वहीं परिजनों का आरोप है कि बीते कुछ दिन पहले बगल के पड़ोसी के साथ वाद विवाद हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सोनभद्र से मनोज सोनी की रिपोर्ट। मैं आ रहा हूं 5 मिनट में और मोबाइल भी छोड़ दिया और निकल गया घर से। आज उसकी बॉडी मिली है कोटा बस्ती ट्रेन में और उसके सर में चोट भी है और उसका कुछ दिन पहले बगल में बजरंगी जनरल स्टोर में बबलू कर गया, उनसे कुछ कहा सुनी भी हुई थी